हज़रत सवाल है कि किसी ने पूछा कि नालैन पार्क की रगबत से बरकत, उसकी बरकत, उससे बरकत हासिल हो सकती है। मैमूना पूछ रही है ये। अच्छा ठीक है। बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, रहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। नालायन मुबारक से मुराद आपकी गालिबन सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालायन मुबारक हैं, तो आप वो पूछना चाहते हैं कि नालायन मुबारक से बरकत हासिल की जा सकती है। सर आज नालायन मुबारक तो आपके पास नहीं है, एक उसकी तस्वीर ही होगी आपके पास, उससे बरकत हासिल कर सकते हैं या नहीं? तो जवाब ये बिल्कुल बरकत हासिल कर सकते हैं। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालायन की शान तो वह है कि जो शाहों के ताजों को हासिल ना हो, हैं उनके उनके ऊपर जो मिट्टी के जर्रात लगे हैं वो शाही ताजों के अंदर लगे हीरे मोतियों से बढ़कर हैं। लिहाजा नालायन मुबारक जो उसकी तस्वीर या नक्शा जो है उससे बरकत हासिल करना तबर्रुक के तौर पे बिल्कुल जायज़ है। ये आशिकाने मुस्तफ़ा की अदाएं हैं कि जिससे अल्लाह तबारक व ताला उनको नवाजता है। चाँचे हज़रत हकीमुल उम्मत मुजद्दिद मिल्लत मौलाना अशरफ अली थानवी रहिमुल्लाह ताला ने अपनी किताब नशरुतीब के अंदर पूरा वो अमल लिखा है कि जिस अमल के ज़रिए से आप नालायन मुबारक के जब वो नक्शे पा या उसको सर पे रख के आप उसे उससे बरकत हासिल कर सकते हैं। या जब किफ़ायतुल मुफ्ती में मुफ्ती आज़म हिंद मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब देलवी रहमतुल्लाह अलैह ने भी वो पूरा अमल लिखा है और उसकी इजाज़त दी है, तो बिल्कुल ही हुसूल बरकत के लिए आप नालायन शरीफ के उससे हासिल कर सकते हैं। ये तो इश्क वफा की बातें हैं, जिसको नसीब हो जाएँ ज़ही किस्मत ज़ही नसीब। बहुत खूब, बहुत शुक्रिया।